साथियों, लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि पूरे भारत में अनेक लोग हैं जिन्हें ज्ञान के प्रसार से अपार खुशी मिलती है। ये वो लोग हैं जो हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि हर कोई पढ़ने के लिए प्रेरित हो। मध्य प्रदेश के सिंगरौली की शिक्षिका उषा दुबे जी ने तो स्कूटी को ही मोबाइल लाइब्रेरी में बदल दिया है। वे प्रतिदिन अपने चलते फिरते पुस्तकालय के साथ किसी न किसी गांव में पहुंच जाती है और वहां बच्चों को पढ़ाती है। बच्चे उन्हें प्यार से किताबों वाली दीदी कहकर बुलाते हैं। इस साल अगस्त में अरुणाचल प्रदेश के निरजुली के रायो विलेज में एक सेल्फ हेल्प लाइब्रेरी बनाई गई है। दरअसल यहाँ की मीना गुरुंग और दिवांग होसाई को जब पता चला कि कस्बे में कोई लाइब्रेरी नहीं है तो उन्होंने इसकी फंडिंग के लिए हाथ बढ़ाया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस लाइब्रेरी के लिए कोई मेंबरशिप फी नहीं है। कोई भी व्यक्ति 2 हफ्ते के लिए किताब ले जा सकता है, पढ़ने के बाद उसे वापस करना होता है। यह लाइब्रेरी 7 दिन 24 घंटे खुली रहती है। आस पड़ोस के अभिभावक यह देखकर काफी खुश हैं कि उनके बच्चे किताब पढ़ने में जुटे हैं, खासकर उस समय जब स्कूलों ने भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। वहीं चंडीगढ़ में एक एनजीओ चलाने वाले संदीप कुमार जी ने एक मिनी वैन में मोबाइल लाइब्रेरी बनाई है। इसके माध्यम से गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए मुफ्त में बुक्स दी जाती हैं। ऐसे नेक प्रयास करने वाले सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि पूरे भारत में अनेक लोग हैं जिन्हें ज्ञान के प्रसार से अपार खुशी मिलती है। ये वो लोग हैं जो हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि हर कोई पढ़ने के लिए प्रेरित हो। मध्य प्रदेश के सिंगरौली की शिक्षिका उषा दुबे जी ने तो स्कूटी को ही मोबाइल लाइब्रेरी में बदल दिया है। वे प्रतिदिन अपने चलते फिरते पुस्तकालय के साथ किसी न किसी गांव में पहुंच जाती है और वहां बच्चों को पढ़ाती है। बच्चे उन्हें प्यार से किताबों वाली दीदी कहकर बुलाते हैं। इस साल अगस्त में अरुणाचल प्रदेश के निरजुली के रायो विलेज में एक सेल्फ हेल्प लाइब्रेरी बनाई गई है। दरअसल यहाँ की मीना गुरुंग और दिवांग होसाई को जब पता चला कि कस्बे में कोई लाइब्रेरी नहीं है तो उन्होंने इसकी फंडिंग के लिए हाथ बढ़ाया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस लाइब्रेरी के लिए कोई मेंबरशिप फी नहीं है। कोई भी व्यक्ति 2 हफ्ते के लिए किताब ले जा सकता है, पढ़ने के बाद उसे वापस करना होता है। यह लाइब्रेरी 7 दिन 24 घंटे खुली रहती है। आस पड़ोस के अभिभावक यह देखकर काफी खुश हैं कि उनके बच्चे किताब पढ़ने में जुटे हैं, खासकर उस समय जब स्कूलों ने भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। वहीं चंडीगढ़ में एक एनजीओ चलाने वाले संदीप कुमार जी ने एक मिनी वैन में मोबाइल लाइब्रेरी बनाई है। इसके माध्यम से गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए मुफ्त में बुक्स दी जाती हैं। ऐसे नेक प्रयास करने वाले सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ।